हाय गाइस, मैं शॉन, आप देख रहे हैं टेक्निकल शॉन। और स्टूडियो में मैं आपको बताऊँ कौन कौन सा शॉमी डिवाइस में एंड्रॉइड 11 का ऑफिशियल अपडेट आने वाला है। तो अगर आप चैनल पर नए हैं तो ये चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। अगर आप एंड्रॉइड 11 का वेट कर रहे हैं, शॉमी यूजर है, तो इस वीडियो को आप स्टार्ट से एंड तक देखिए। मैं आपको बताऊँ कौन कौन सा डिवाइस में एंड्रॉइड 11 का ऑफिशियल अपडेट देखने को मिलेगा, कौन कौन सा डिवाइस में नहीं देखने को मिलेगा और कौन कौन सा डिवाइस में शॉमी, रेडमी या पोको का डिवाइस में बीटा टेस्टिंग चल रहा है। तो वीडियो स्टार्ट से एंड तक देखिए और अगर आपको वीडियो या इन्फॉर्मेशन पसंद आता तो ये वीडियो को लाइक कीजिए। चैनल पर नया है तो प्लीज ये चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। देखिए जैसे कि आपका Xiaomi का एंड्रॉइड 11 का अपडेट लिस्ट है जिसमें कि आपको ज्यादातर सभी इन्फॉर्मेशन देखने को मिल जाता है। तो पहले आपको देखने को मिल जाएगा डिवाइस इन ओपन बीटा ऑफ एंड्रॉइड 11, जिसमें आपको डिवाइस का पहला लिस्ट में नाम देखने को मिल जाता है जो कि आपका Mi 9 है, Mi 9 Pro 5G है। उसके बाद आपको Mi 9 SE, Mi C9 जो कि अजीब सा नाम, मतलब थोड़ा धीरे बोल रहा हूँ क्योंकि मतलब इधर उधर हो सकता हूँ। तो अगर आप देखिए उसके बाद आपको Redmi K20 देखने को मिल जाता है, तो Redmi K20 Pro जिसमें कि आपका अभी Android 11 का बीटा टेस्टिंग चल रहा है। और उसके बाद आपको देखने को मिल जाएगा Redmi Note 9 5G जो कि आपका Redmi Note 9 5G इंडिया में नहीं आया है और आपका ये ग्लोबली गया रशिया में, आपका Redmi Note 9T के नाम से गया। और अगर आप देखिए तो उसके बाद आपको Note 8 Pro देखने को मिल जाता है। Note 8 Pro में भी आपका Android 11 का बीटा टेस्टिंग चालू है। तो ये सब डिवाइस में बीटा टेस्टिंग चालू हो चुका है और शायद धीरे धीरे किसी किसी डिवाइस में मिल भी गया। और उसके बाद अगर आप देखिए तो उसके बाद आपको देखने को मिल जाएगा कौन कौन से डिवाइस में अभी आपका मतलब प्रिपरेशन हो रहा है जिसमें कि आपका 9 पावर जो है Redmi 9 पावर उसमें आपका प्रिपरेशन होना स्टार्ट, और उसमें भी आपको जल्दी देखने को मिल जाएगा एंड्रॉइड 11 का अपडेट। और अगर आप देखें तो कौन कौन सा डिवाइस में नहीं मिलेगा और कौन कौन सा डिवाइस में रिलीज होगी आप सभी रीड कर सकते हैं। अगर आपको चाहिए इस पूरा फोटो का मतलब इमेज, तो उसके लिए आपको जाना होगा मेरा टेलीग्राम ग्रुप में, उसमें आपको सभी जितना भी इन्फॉर्मेशन है आप डायरेक्टली खुद रीड कर सकते हैं। और कौन कौन सा डिवाइस में नहीं आएगा ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो उसके लिए आपको मतलब Redmi का जितना भी Redmi Note 7, Redmi Note 7 S, Redmi Note 7 Pro ये सब में आपको Android 11 का अपडेट देखने को नहीं मिलेगा, जिसमें कि आपका मतलब कि देख सकते हैं जिसमें आपको मतलब आपका डिवाइस Android मतलब MIUI 9 के साथ आया तो उसमें आपका 2 अपडेट हो गया होगा, तो उसमें आपको नहीं देखने को मिलने वाला है। बस यही था इन्फॉर्मेशन कि कौन कौन सा डिवाइस में, और बाकी जितना भी डिवाइस है वो सब सभी में आपको देखने को मिलने वाला है Android 11 का ऑफिशियल अपडेट। तो उसके लिए आप वेट कीजिए। और बस यही था कि कौन कौन सा डिवाइस में मिलेगा, कौन कौन सा डिवाइस में नहीं मिलेगा। तो मेनली उस डिवाइस में नहीं मिलेगा जिसमें कि आपका मतलब 2 अपडेट एंड्रॉइड का मिल चुका है, और उसमें आपको देखने को मिल जाता है नोट 7, नोट 7 एस 8 का नोट, रेडमी 8, रेडमी 8 ए, रेडमी 8 डुअल, इसमें आपको एंड्रॉइड 11 का अपडेट ऑफिशियली देखने को नहीं मिलेगा। और अगर आप देखेंगे तो डिवाइस जो कि बीटा टेस्टिंग में मिलने वाला एंड्रॉइड 11 उसमें आपका बहुत लंबा लिस्ट है जो कि आप रीड कर सकते हैं जाके मेरे टेलीग्राम ग्रुप में, उसमें आपको ये फोटो देखने को मिल जाएगा। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया, इन्फॉर्मेशन अच्छा लगा तो जाइए वीडियो को लाइक कीजिए। चैनल पर नया तो ऑब्वियसली जाइए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन टैप कर सकते हैं। कोई भी प्रॉब्लम हो तो नीचे जाइए कमेंट कीजिए। और थैंक्स फॉर वॉचिंग। मैं बोलता कल कुछ ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियोज़ के साथ, तब तक के लिए बाय।